जय माँ बगला मुखी। माँ बगला मुखी की ब्रह्मास्त्र साधना, लड़ाई झगड़ा, शत्रुओं से परेशानी, मुकदमेबाजी और न्यायालय आदि में पूर्ण विजय पाने के लिए बगला महाविद्या की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल प्रदान होते हैं। उनके अनुष्ठान संपन्न कराने का प्रचलन अनंत काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही नहीं, आधुनिक समय में भी असंख्य लोगों ने माँ बगला की कृपा से शत्रुओं एवं बाधाओं पर विजय प्राप्त की है। न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों आदि समस्याओं पर विजय पाई है तथा अन्य नाना प्रकार की आपदाओं से मुक्ति प्राप्त की है। माँ बगला की कृपा से उनके भक्त साधारण स्थिति से उठकर असाधारण से उच्च पद तक पाने में सफल हुए हैं। माँ बगला उपासना अनुष्ठान आदि शत्रु बाधाओं के दौरान ही नहीं अपितु अन्य अनेकों कार्यों के निमित्त भी की जाती है। इनका संबंध एकाएक आर्थिक हानि से बचने, किसी अज्ञात भय से बचने, किसी के धोखे में फंस जाने, अकारण किसी के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ जाने, किसी अज्ञात शत्रु द्वारा परेशान किए जाने की भी समस्याओं से निजात दिला सकती है। ऐसी समस्त प्रतिकूल स्थितियों में भी महामाई अपने साधकों को सहज ही निकाल लेती है। महामाई बगला की अनुकंपा से शीघ्र ही बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। माँ बगला का 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। दरअसल आदिशक्ति के 10 रूप दशों दिशाओं में विद्यमान रहते हैं। उनमें दक्षिण दिशा की स्वामिनी महाविद्या बगला को माना गया है, इसलिए इनकी साधना दक्षिण मार्ग ही अधिक प्रचलित है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में शिव के 10 रूपों की 10 महाशक्तियां भी बताई गई हैं। यह 10 महाशक्तियां ही संसार में 10 महाविद्याओं के रूप में पहचानी एवं पूजी जाती हैं। तंत्र शास्त्र में जगह जगह इस बात का उल्लेख आया है कि शक्ति विहीन शिव भी शव के समान हो जाते हैं। शिव की जो भी क्षमताएं एवं शक्तियां हैं, उनके मूल में एकमात्र आदि शक्ति ही कार्य करती है। जब तक भोलेनाथ के पास मां शक्ति नहीं होती, तब तक वे ऊर्जावान नहीं होते। मां भगवती का आसरा चाहिए भगवान शिव को भी। शिव की 10 आदि शक्तियां हैं जो इस प्रकार जानी जाती हैं। महाकाल शिव की शक्ति काली नामक महाविद्या है। शिव के काल भैरव रूप की शक्ति भैरवी नामक महाविद्या है। कबंद नामक शिव की शक्ति छिन्नमस्तिका है। त्र्यंबकम नामक शिव रूप की शक्ति है भुवनेश्वरी नामक महाविद्या। ठीक उसी प्रकार एक वक्य नामक महारुद्र शिव की महाशक्ति बगलामुखी नामक महाविद्या है। शिव के इस रूप को बगलामुखी शिव के नाम से भी जाना जाता है। इसी आधार पर उनकी महाशक्ति को वल्गामुखी भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र और अन्य ग्रंथों में बगलामुखी देवी का क्रोधी स्वभाव वाली न्याय देने के रूप में वर्णन हुआ है। माँ का यही रूप उनके ध्यान में वर्णित किया जाता है। जब साधक ध्यान लगाते हैं तो माँ के इसी रूप को भजते हैं, ध्याते हैं तथा उनके चरित्र वर्णन एवं प्राचीन प्रतिमाओं में देखने को मिलता है कि माँ का ध्यान एक राक्षस की जीभ को अपने हाथ में खींचते हुए रूप में किया जाता है। इस स्वरूप का भी यही भावार्थ है कि माँ अनंत शक्ति की प्रतीक है और वह अपने भक्तों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निंदा, झूठ, आरोप, मिथ्या, अफवाह, असत्य, दोषरोपण आदि बिल्कुल सहन नहीं करती। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपके साथ चलती हैं। जब आज जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, जब आपने वो जप कर लिया, एक महीने भी अगर आपने जप कर लिया, सोचिए सिर्फ एक महीने भी आपने जप कर लिया,
तो माँ भगवती की वो शक्ति आपके साथ चिरकाल तक चलेगी, जब तक कि आप इस धरा को छोड़कर वैकुंठ में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका स्थान होगा वहाँ ना पहुँच जाएं, तब तक वो शक्ति आपके साथ बनी रहेगी। यदि आपका किसी ने बाल बांका करने का सोच भी लिया, मैं फिर से जोर देकर कहना चाहूँगा कि सोच भी लिया, तो ये 10 महाविद्याएं जो हैं, ये जो शक्ति का स्वरूप हैं, जो साक्षात विचरण करती हैं इस धरा पर, जिसे हम अपनी सूक्ष्म आंखों से देख नहीं पाते, और ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं क्योंकि ये ईश्वर का रूप है। जिस तरह से त्रिदेव होते हैं वैसे ही उनकी शक्तियाँ होती है त्रिदेवी। तो उन त्रिदेवियों को प्रसन्न करने का मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ये ब्रह्मा ने बनाया था, और ये इतना चमत्कारी है, इतना प्रभावी है कि आपके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो तुच्छ सी लगेंगी इसके सामने। एक बार ये मंत्र बोल दीजिए और फिर रातों रात असर देखिए। सुबह तक वो वैरी, वो दुश्मन अगर खाट ना पकड़ ले तो मेरा नाम बदल देना। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखने को आया है कि जब भगवती के आप बहुत ज़्यादा समीप हो जाते हैं, जब माँ भगवती आपको प्रिय लगने लग जाती है, जब अश्रुपात होने लगे, बस भगवती का ही ध्यान आपके मन में आए, और ये जितने भी कलह क्लेश हैं और किसी से बदला लेना, ऐसी भावनाएं जब आपके भीतर उत्पन्न ना हो, सब एक समान लगने लग जाएं, तो ये समझिएगा कि माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है और वो शक्ति आपके साथ आ गई है। और इसके बाद यदि कोई कलेशी आप पर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसको इस धरा पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो मंत्र गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो मंत्र है ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जितनी भी कठिनाइयां हैं वो इससे दूर हो जाएंगी। ये जो मंत्र मैं अभी आपको बता रहा हूं ये अपात्र को नहीं देना होता, इसलिए क्योंकि वो जो है इस शक्ति को धारण नहीं कर पाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली ये शक्ति है और इसका आपको संरक्षण करना आना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती सिर्फ प्यार की भूखी हैं। उन्हें यदि आप किसी भी प्रकार से प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ भगवती आपका पग पग पर ध्यान रखेंगी। माँ बगला अपनी शरण में पूर्ण श्रद्धावान ऐसे पुरुषों को, अन्य भक्तों को एवं अपने साधकों पर अन्याय सहन नहीं करती। माँ की शरण में नतमस्तक होते ही वह अपने भक्तों की नाना प्रकार से सहायता करती है, उनकी सारी परेशानियां हर लेती है। माँ बगला को बहुत ही दयालु रूप में भी दिखाया गया है। उनकी अनुकंपा से अनेकों लोगों ने मुकदमों में विजय प्राप्त की है और जेल यात्रा से भी बचते हुए देखा गया है। माँ बगलामुखी ऐसी बहुत सी किस्से कहानियां हैं जो मैं अगर सुनाने बैठूं तो दिन से रात हो जाए और बल्कि सालों बीत जाए, लेकिन इन पर एक बार विश्वास कर एक ऐसी शक्ति को आज मैं आपसे मिलाने वाला हूँ, एक ऐसी शक्ति आपको देने वाला हूँ जो कि आपके सारे बिगड़े हुए काम बना देगी। बस आपको करना ये है कि जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ माँ बगलामुखी का, इसको आपको संभाल कर रखना है। तो मंत्र को गौर से सुनिएगा। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम हलीम बगलामुखी। ये केचना पकारिणिम संत तेषां वाचां मुखपदं स्तंभय स्तंभय जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय विनाशय हलीम ओम स्वाहा।
बहुत से साधक क्या करते हैं कि हलीम को ह्रीम बोल देते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब माँ बगलामुखी का हम ध्यान करते हैं या फिर उनका कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो जो आप ह्रीम देखते हैं उसके अंदर एक लय लगा हुआ है, तो आपको इसको हलीम बोलना है। ओम लीम बगलामुखी ये केच नापकारिणी संत तेषां वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय जीहाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय हलीम ओम स्वाहा। तो ये मंत्र आपको मिल गया है। अगर फिर भी कहीं मुझसे त्रुटि हुई हो तो आप इसकी एक कॉपी, जो ये वीडियो है इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सर्च स्टॉप्स का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर इसमें डिटेल में समझा रखा होगा कि इसको कैसे करना है। वहाँ पर आपको लिखित में भी मिल जाएगा और उसको आप भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो आपको करना कैसे है? अब ये होता है ब्रह्मास्त्र, मतलब अगर एक बार ये चला दिया तो चाहे आगे प्रधानमंत्री खड़ा हो वो भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस मंत्र का 51 बार बस ध्यान कर लेना है। आपको इस मंत्र का ध्यान कर रहा है रोज सुबह, जब भी आप उठें, चाहे वो 10 बजे हो 12 बजे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप उठें तब इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, एक बार इसका ध्यान कर लीजिए और माँ को मन ही मन कुछ अर्पण कीजिए। कुछ सोच में आप जैसे सोच में ही कुछ भी अर्पित कर सकते हैं और माँ भगवती को हमेशा, मतलब जब भी आपके पास समय मिले, सुबह और शाम ये दो पहर हैं, ये दो ऐसे पहर हैं जब सूरज निकलने वाला हो और संध्या होने वाली हो, जब दो पहर मिल रहे हों उस समय में आपको ये मंत्र कर लेना है रोज़, चाहे आप 51 बार करें, 108 करें, किसी भी माला से करें, लेकिन जब आप ये मंत्र जाप करें तो इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का आपको इसमें त्रुटि नहीं करनी है। जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर मंत्र समझ में ना आ रहा हो तो नीचे आपको मंत्र के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारा कुछ समझा रखा है कैसे करना है। और उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। इसमें आपके वस्त्र और जो भी कुछ होगा वो पीला होगा, क्योंकि माँ बगलामुखी को पीत वर्ण बहुत पसंद है। आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर इसको करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी हो, कोई दुश्मन हो, कोई बैरी हो, या फिर कोई आस पड़ोस का ही कोई हो जो बहुत ही आपको, जिसने आपकी नींदें ख़राब कर दी हो रात की और आप कुछ कर ना पा रहे हो, तो बस एक बार ये कर दीजिए। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है दिन में, मतलब आपके कोई शत्रु नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई भी वैर नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। बस 41 बार या 21 बार या फिर 108 बार इसका जाप आपको करना है रोज़। इससे एक अलौकिक शक्ति आपके साथ आ जाएगी और कोई भी बैरी अगर आपको आंख उठा के देख भी लेगा तो अगले दिन चारपाई पकड़ लेगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। जय माँ बगलामुखी।